हेलो, नमस्कार. वेलकम टू एडुकेशियस. आज है 23rd of January 2024 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस. लेट्स स्टार्ट विद दैट. द फर्स्ट वन इज कर्टेन फॉल्स ऑन सोनी जी मर्जर डील. सो फाइनली जो एक स्पेकुलेशन चल रही थी, मिस्ट्री चल रही थी कि इस डील का क्या होगा, जो कि इंडिया की बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनने जा रही थी, जिसके अंदर कलवर मैक्स यानी सोनी एंटरटेनमेंट और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों का मर्जर होना तय हुआ था करीबन 2 साल पहले. उसके बाद जो इनकी डील हुई थी, उसके जो पीसी बोलते हैं, प्रेसिडेंट कंडीशंस, जिसको फुलफिल करना था दोनों ही साइड्स को, और जिसके अंदर सबसे बड़ी जो गले की फांस बनी हुई थी वो थी कि जो पुनीत गोयनका है, एमडी ऑफ जील ग्रुप, जो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ग्रुप, वो कह रहे थे कि जो मर्ज एंटिटी बनेगी दोनों कंपनी को बना के, सोनी को और जी को बना के, आई विल बी हेडिंग दैट, आई विल बी द सीईओ ऑफ द दैट मर्ज एंटिटी. ये बात सोनी को मंजूर नहीं थी और बार बार ये कवायद दी जा रही थी कि ये हर रोज कुछ ना कुछ हम यूजुअली डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये डील हो, क्रैक हो पाएगी, क्या ये सिरे चढ़ेगी. बट अभी लास्ट वीक में आपने देखा था कि सोनी इसको लेके बहुत ज्यादा था कि दैट वी विल बी टर्मिनेटिंग द डील विद द जी लिमिटेड. सो फाइनली कर्टेन फॉल्स ऑन द जी सोनी मर्जर डील. अभी सोनी पिक्चर्स लिमिटेड, जो कि जिसको हम अब कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट बोलते हैं, उन्होंने फाइनली एक नोटिस इश्यू किया फॉर टर्मिनेटिंग द डेफिनेटिव एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय सोनी प्राइवेट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड एंड जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड. तो दोनों कंपनीज ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया था उसके टर्मिनेशन के लिए एक नोटिस इशू किया है. साथ में ही $90 मिलियन की एक टर्मिनेशन फीस भी इन्होंने मांगी है उस नोटिस के तहत जी टीवी से, जी एंटरटेनमेंट से, और आर्बिट्रेशन और लीगल एक्शन का भी कवायद दी है कि इस नोटिस के थ्रू की वी नीड अ टर्मिनेशन फीस ऑफ $90 मिलियन एज अ टर्मिनेशन फीस. सो अभी देखते हैं इन दोनों का भी ये जो लीगल बैटल है ये काफी दूर तक जाने वाली है. जी एंटरटेनमेंट भी कह रहा है कि हम इसको लीगली हैंडल करेंगे, मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा, आर्बिट्रेशन क्या फैसला करता है, और अगर बात एडजुडिकेशन तक भी जाती है तो इसमें फ्यूचर क्या रहता है. बट एक चीज तो फाइनल हो चुकी है, दैट डील इज नॉट गोइंग टू क्रैक. और दोनों की ये जो डील होनी थी, जो एक इंडिया लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी बनने की कवायद थी जी और सोनी की, द कर्टेंस हैव ड्रॉप्ड ओवर दैट. द डील हैज बीन टर्मिनेटेड बाय द सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज टू व्हीलर ड्राइव बैक टू द फ्यूचर, द इलेक्ट्रिक वे. जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, हमने देखा था कि जो फेम स्कीम थी उसका बड़ा फायदा मिला था. फेम स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री. उसका फेम का फेज वन आया, फेज टू अभी चल रहा है, जिसके लिए अभी एडिशनल फंड शायद अभी इंटरिम बजट में देने की बात चल रही है, और मे बी नेक्स्ट बजट के अंदर, चाहे वेदर इट इज इन इंटरिम बजट और इन द फुल बजट टू कम आफ्टर द जनरल इलेक्शन, फेम थ्री लॉन्च करने की भी बात चल रही है. तो फेम स्कीम चलाएगी थी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स इन इंडिया. बेसिकली आपने देखा होगा इसका फायदा जो दो तीन नई कंपनी थी, जैसे एक अथर स्कूटर्स, ओला, बजाज, इन लोगों ने काफी इसका फायदा उठाया. टीवीएस ने भी काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में काम किया. लेकिन अभी इसको और ज्यादा प्रमोट होता देखते हुए, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर को एक बहुत बड़ी रियलिटी देखते हुए, जो पुराने 70s, 80s, 90s के जो ब्रांड थे, जैसे कि लूना आती थी, काइनेटिक की लूना आती थी, या फिर बजाज से तक स्कूटर आता था, तो वो कंपनीज भी दोबारा सेम मॉडल्स के साथ ई व्हीकल सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर अपने वेरिएंट्स को उतारने जा रही हैं. सम ऑफ द इंडिया टू व्हीलर मेकर्स आर रिविजिटिंग द पास्ट, एनकरेज्ड बाय द इलेक्ट्रिक पावर्ड बर्थ रीबर्थ ऑफ बजाज चेतक, विच हैज बीन अ रनवे सक्सेस एंड अ थ्राइविंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मार्केट. टू मोर आइकनिक 70s ब्रांड आर इलेक्ट्रीफाइंग देयर यस्ट्रियर फॉरवेयर, जिसके अंदर एक काइनेटिक थी जो कि भारत के अंदर रूरल एरिया के अंदर ई लूना उतारने की तैयारी में, जो लूना थी मोपेड होती थी उसको घर घर जाना जाता था. और सिमिलरली LML, जो कि पहले LML स्कूटर आते थे, वो भी तैयारी में है इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट निकालने को. 2023 की बात करें तो 8,59,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सोल्ड किए गए थे 2023 में, जो कि
ईयर ऑन ईयर 36% का इंक्रीज था, जिसके अंदर बेसिकली ओला, टीवीएस, बजाज और अथर ये कंपनियां जो मेन स्ट्रीम के अंदर रही, बट अभी काइनेटिक और बजाज चेतक ये भी जो पुरानी कंपनियां होती थी, जो स्कूटर की कंपनियां होती थी, घर घर में नाम होता था, जैसे कि बजाज का चेतक स्कूटर, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट लेके आने की तैयारी में है। और मोस्ट प्रोबेबली जो फेम स्कीम है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इनको हेल्प करेगी बाय वे ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय देम। फेम थ्री का भी क्या रहता है, वो फुल इंटरिम बजट में ही फेम थ्री को लॉन्च किया जाएगा या फिर फुल फ्लैश बजट के अंदर किया जाएगा, बिकॉज इसके बड़े फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, भारती इज इन टॉक्स विद एसबीआई लाइफ अदर्स टू सेल द इंश्योरेंस बिजनेस। जो भारती एक्सा एक इंश्योरेंस कंपनी है, भारती एक्सा जो कि दो कंपनियों से बनी है, भारती ग्रुप था वो एक्सा ग्रुप के साथ मिलकर भारती एक्सा एक जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट दोनों सेगमेंट में काम करता था। भारती एक्सा ने जो जनरल इंश्योरेंस है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को 2020 के अंदर बाय वे ऑफ मर्जर कंप्लीटली हैंडओवर कर दिया था। अभी भारती एक्सा बेसिकली लाइफ सेगमेंट में ही बची है और अक्टूबर 2023 में भारती ने जो एक्सा ग्रुप का 49% स्टेक है वो भी खरीद लिया था। तो अभी जो बिगेस्ट इसकी स्टेक होल्डर्स है दैट इज भारती ग्रुप ओनली इन द कंपनी भारती एक्सा। So, Bharti AXA is in advanced talk with SBI Life and other insurers to sell its wholly owned life insurance venture, that is Bharti AXA Life Insurance. तो अभी बात चल रही है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है डील से रिलेटेड, क्या होगा, SBI Life इसको टेक ओवर करेगी या इसके स्टेक्स को लेगी, कितने परसेंट स्टेक्स लेगी, बट ये फॉर श्योर है कि भारती एक्सा कंप्लीटली इंश्योरेंस बिजनेस को अपना को सेल करना चाहती है, सो दैट ये अपने टेलीकॉम बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। ज्यादा डिटेल्स इसकी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, डील के अंदर क्या रहेगा, भारतीय एक्सा की और एसबीआई की नेगोशिएशंस रहेंगी या फिर भारतीय एक्सा अपने जो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट है उसको किसी और एंटिटी को सेल आउट करेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज अदानी एंड जिंदल पावर में जॉइन द रेस फॉर हिरणमय। हिरणमय एक कंपनी है जो बेसिकली अभी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी को फेस कर रही है, जिसको एडमिट किया गया है अंडर दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर द इंसॉल्वेंसी पर्पस। तो इसके लिए हिरणमय एनर्जी जो कि एक थर्मल पावर कंपनी है, जिसको हम फॉर्मरली बोलते थे इंडिया पावर कॉरपोरेशन हल्दिया, हल्दिया बेस्ड प्लांट था ये इंडिया पावर कॉरपोरेशन, जिसका बाद में हिरणमय एनर्जी नाम कर दिया गया था। तो उस कंपनी को अभी ड्यू टू इश्यूज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी के अंदर उसको एडमिट किया गया है। भुवन मदान जो है एक एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है, कोलकाता वेंस की एनसीएलटी ने भुवन मदान को अपॉइंट किया है एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। हम ये टर्म्स रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बार बार सुनते आ रहे हैं, जैसे कि हमने गो एयर गो फर्स्ट जिसको बोलते हैं, गो फर्स्ट के अंदर भी हमने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बार बार सुना। तो अभी भुवन मदान को एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है, हु इन टर्न विल बी सपोर्टेड बाय अ टीम ऑफ E&Y led by Pulkit Gupta, Ernst & Young के जो consulting firm है उसके partner Pulkit Gupta है, उसकी team के साथ भी वो इसको assist करेंगे, किसको, resolution professional को। तो अभी कौन सी company इसको take over करती है, तो इसके अंदर race के अंदर अडानी power और जिंदल power वो जो company है जिन्होंने interest दिखाया है इसको हिरणमय एनर्जी को acquire करने के लिए। कंपनी के पास बेसिकली 2000 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, जो कि REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इसके प्रोमिनेंट लेंडर है, REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से इन्होंने करीबन 2000 करोड़ का लोन ले रखा है। 3 यूनिट है बेसिकली 150 मेगावाट की हल्दिया कोलकाता के अंदर, उसमें से 2 ऑपरेशनल है और 1 कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर चल रही है। और इन्होंने कल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ 25 साल तक का पावर परचेज का एग्रीमेंट भी इनका हो रखा है, जो कि 2017 में कंक्लूड हुआ था, और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोल प्रोक्योरमेंट का एग्रीमेंट भी किया गया है। तो ये कंपनी अभी ड्यू टू सम इश्यूज, ड्यू टू सम लोन डिफॉल्ट्स ये इंसॉल्वेंट घोषित कर दी गई थी। तो उसके बाद इसको अंडर द IBC कोड कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी की तरफ ले जाया जा रहा है, और बड़े बड़े नाम जैसे कि अडानी पावर और जिंदल पावर इसको इसके रिजोल्यूशन की कवायद में है, इसको टेक ओवर करने की कवायद में। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रहता है हिरणमय एनर्जी का, क्या फ्यूचर रहता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज RIL राइट्स द PLI स्कीम टू क्लोज इन ऑन $1 to $1.5 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट. अभी आपने रिसेंटली जो वाइब्रेंट गुजरात सबमिट हुआ था, हमने डिस्कस किया था, वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोला था कि हम एक ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक प्लांट को ऑपरेशनल करेंगे गुजरात के अंदर, न्यू एनर्जी गीगा फ्लेक्स बनाएंगे गुजरात जामनगर के अंदर. तो उसी से रिलेटेड है अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है पर्टेनिंग टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसके अंदर 1 से 1.5 रुपए पर केजी की सब्सिडी या बोल दीजिए या इंसेंटिव मिला है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में है. और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने जो ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट है उसको भी अचीव करने की तैयारी में है. दीज इंसेंटिव आर लाइकली टू असिस्ट द रिलायंस इंडस्ट्री टू अचीव द ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट कॉस्ट ऑफ $1 to $1.5 पर केजी. तो अल्टीमेटली आफ्टर दिस इंसेंटिव इनको जो कॉस्ट पड़ेगी वो $1 to $1.5 पर केजी की पड़ेगी. अभी जो कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की वो करंटली $3 पर केजी है, करंट कॉस्ट है, जो कि अगर इंसेंटिव मिलेगा तो हाफ होने, हाफ से भी कम होने की बात है. द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैज सिक्योर्ड द SOPs अंडर बोथ राउंड ऑफ सोलर मॉड्यूल $300 million फॉर 4 GW इन राउंड 1 एंड $400 million फॉर 6 GW इन राउंड 2. तो जो 2 राउंड हुए थे पर्टेनिंग टू दिस PLI स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल PLI, इसके अंदर इनको दोनों राउंड में $400 million और $300 million 2 राउंड के अंदर ये इंसेंटिव दिया गया था. तो ये दे हैव वोन दी PLI अंडर दी एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज फॉर 5 GW कैपेसिटी. तो इनको ये दिया गया था. रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी जामनगर के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है जिसको हम न्यू एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे वो भी कमीशन करने की तैयारी है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर 2024. और इनका जो ये नया एनर्जी बिजनेस है पर्टेनिंग टू ग्रीन हाइड्रोजन ये इनको और बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा रिलायंस एनर्जी को इन द ग्लोबल एरिना. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नोएडा एयरपोर्ट एंड IGI एयरपोर्ट रैपिड रेल टू कट द ट्रेवल टाइम टू 80 मिनट्स. नोएडा एयरपोर्ट, नोएडा के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और उसके और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट है, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेल रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसको 16,000 करोड़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए जिसको लेके. और इसको जो बनाने का काम दिया गया है वो दिया गया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. ये इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी कर रहा है जिसको मार्च तक सबमिट किया जाएगा. NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिसको NCRTC बोलते हैं, ये वही NCRTC है जो कि रैपिडेक्स नाम की मेरठ तक जो जाती है, दिल्ली से मेरठ तक की एक रैपिडेक्स नाम की फर्स्ट रीजनल रेल कनेक्टिविटी बनाई है, वो भी NCRTC की देखरेख में ही बन रही है. तो अगर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो इट विल टेक 4 years टू कंप्लीट और इसके बीच से 80 मिनट्स की दूरी रह जाएगी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट को जाने के लिए. तो ये एक इंटरकनेक्टिविटी ऑफ 2 एयरपोर्ट सो दैट जो IGI एयरपोर्ट है उसके ट्रैफिक को कम किया जा सके क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जैम रहता है पर्टेनिंग टू एयरप्लेन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाईकोर्ट क्वेश्चंस द CIC ऑर्डर सीकिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द PM केयर्स फंड फॉर टैक्स एग्जेम्पशन. हाईकोर्ट ने अभी जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑर्डर है जिन्होंने टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बोला था कि जो PM केयर्स फंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कॉपियां हैं, जो कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए यूज की गई है, आप वो हमें डॉक्यूमेंट्स अंडर द RTI एक्ट प्रोवाइड करवाइए. तो जिसके बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर के खिलाफ इनकम टैक्स हाईकोर्ट चला गया था और हाईकोर्ट ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अपील है उसको रूल आउट करते हुए कहा कि CIC डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डायरेक्ट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड देन सेक्शन 138(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेल्स ओवर सेक्शन 22 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. मतलब इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज के जो एक्ट है उसके सेक्शन 138 को अपहेल्ड किया है और रूल किया है कि सेक्शन 138 सबसेक्शन 2 इट ओवरराइड्स ओवर द सेक्शन 22 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो अगर इनकम टैक्स डिनाई कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को तो वो सही है. तो CIC के ऑर्डर को रूल आउट किया है हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने
दिस इज ऑल फॉर टूडेज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस. विल बी बैक विद द डिटेल्ड न्यू एडिशन ऑफ द ईटी एनालिसिस टुमारो. टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.